हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। नाम पर आपका स्वागत है। मैं आपका कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। देखिए, अब हमने फिजिक्स के कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, बायो को जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें कर सकते हैं। बायो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। ये 20 नंबर के आते हैं 10th क्लास में। तो आपको 20 नंबर प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये मैंने सभी क्वेश्चन लिखे हैं, ज्यादातर एक ही पार्ट के हैं अभी। तो हम इसमें से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पढ़ सभी को लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमारा छूटे ना और हम एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ पाए जिससे हमारे मार्क्स कम रह जाए या हम अच्छा लिख पाए, अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाए 10th क्लास में। इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। देखिए, ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा, ये याद रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तालाब। जो तालाब होता है में जहां जलीय पौधे अधिक होते हैं, तालाब होता है, एक तालाब होता है उसमें बहुत अधिक जलीय पौधे होते हैं, जहां जलीय पौधे, तो जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। क्यों? तो जल की, आपने देखा होगा जल की सतह पर बुलबुले उठने लगते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, श्वेपोषी पोषण क्या है? श्वेपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। श्वेपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण क्या है, इसको भी आप उदाहरण देकर समझा सकते हो। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन एंजाइम पाया जाता है, पता ही है। यह किस प्रकार का पाचन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिकली पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो मोस्ट है ही। पांचवा क्वेश्चन देखिए, डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम कहा क्या है और कहाँ पाया जाता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन कर लेते हैं फिर। पित्तरस क्या है? पित्तरस कहाँ है, यह रस कहाँ स्त्रावित होता है और कहाँ एकत्रित होता है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सी तथा एनोक्सी अनोक्सी, जो हमारे पास ऑक्सी तथा अनोक्सी श्वसन में अंतर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखना है। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखना है। रुधिर तथा लसिका में भिन्न या अंतर या तुलना कीजिए, इसका क्वेश्चन यही, आंसर यही है, क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन संक्षिप्त टिप्पणी, ये अलग से पूछी जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 वाला, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, इसके क्या कार्य हैं ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? 2023 में आया था क्वेश्चन ये, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पाचक एंजाइम क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखो। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को ना छोड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग है, एटीपी इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और एटीपी क्या है इसका पता होना चाहिए, इसका निर्माण कहाँ होता है ये आपको याद करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव, मनुष्य या मानव के पाचन तंत्र या आहार नाल, आहार नाल का नामक चित्र बनाइए, समझाइए आहार नाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये सभी, दो लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय के आंतरिक संरचना तथा क्रिया विधि को का सचित्र वर्णन करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामक चित्र आपको बताना है और इसके क्या कार्य होते हैं, क्या क्रिया विधि होती है, आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में कहना, नेफ्रॉन या वृक्राणु की संरचना का वर्णन करो। नेफ्रॉन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट बहुत, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई भी, दोनों मिल सकते हैं, एक मिल जाएगा, लेकिन इनमें से सभी को आपको उसको एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना, तो छोटे छोटे से आंसर इनके बहुत क्वेश्चन है, वेल बेस लिखिए, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। आगे हम भी देखते हैं और क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इन्हीं सभी क्वेश्चनों का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। अब देखिए, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, मानव रुधिर संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। मानव रुधिर संरचना, मानव में जो रुधिर संरचना वो किस प्रकार होते हैं, इसके कार्य का वर्णन करना, संरचना करने का कार्य का वर्णन करना। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। 2023 में भी क्वेश्चन आया था ये, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता क्या उल्लेखनीय है, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा इसमें दे सकते हैं कि पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का क्या उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
हरे पौधे O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इस कथन की पुष्टि करो। मतलब ये तो हम जानते हैं कि हरे पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये आपको कथन की पुष्टि करनी है। मेरे रज्जू, मेरे रज्जू क्या है, इसके द्वारा कौन से कार्य नियंत्रित किया जा सकता है। मेरे रज्जू क्या है, इसके कार्य द्वारा कौन से, मतलब कौन से कार्य नियंत्रित किए जा सकते हैं इसके द्वारा, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन्स की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पादप हार्मोन आ गया, तो पादप हार्मोन ये पूछ सकता है आपको, पादप चार विशेषता की बजाय आपसे ही पूछ सकता है पादप हार्मोन क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन्स वाला। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र बनाकर, लॉन्ग क्वेश्चन है आपको याद कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क यानी कि दिमाग माइंड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना उसके नाम अंकित कर ले, इसका मतलब यह है। दूसरा, परागण का एक नामांकित चित्र बने, इसी प्रकार परागण का बनाते हैं। जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। परागण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका क्या कार्य है, ये आपको बताना है। परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, इसके लाभ तथा हानि आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित की जाती है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिवार नियोजन वाला। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। आपको विकल्प में पूछ जाता है प्रयोग नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है, ये आपको बता देनी है, लेकिन इसको क्वेश्चन करोगे तो वे सभी क्वेश्चन आपके शॉर्ट शॉर्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या एक समस्या पर टिप लिखिए। जनसंख्या आप जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या एक समस्या, इस पर टिप आपको लिख देनी है। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए, जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसके निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन करो। जो स्त्री केसर है उसके लंब काट का चित्र बनाना है और वर्णन करना है कि क्या क्या है। पादपों में पाए जाने वाले कायिक जनन का वर्णन करो, पादपों में जो पाया जाता है कायिक जनन उसका वर्णन करना आपको। ये सभी क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन और है, थोड़ा सा देख लीजिए, वेट कर लीजिए, अभी मैं कराता हूं। तो इन क्वेश्चन करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ध्यान से देखिए। अभी हम दो या तीन चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन बाकी हैं, इन्हें हम करते हैं। बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, इन क्वेश्चन के बाद। आप देखिए इन क्वेश्चनों को एक बार हम कर लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है, बायो के सभी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का वर्णन कीजिए। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का वर्णन कीजिए, आपको कर वर्णन कर देना है, विवरण देना है। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक राइबोस न्यूक्लिकम, ये पूरा नाम लिखना है आपको। प्रभाविता के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रभाविता का नियम जो होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ये आपको बताना, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाता है, शॉर्ट में पूछ जाता है, आपको करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के नियम क्या है, उचित चित्रण द्वारा समझाइए, या इसका क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपवहन से आप क्या समझते हैं, केवल रेखा चित्र द्वारा द्विशंकर क्रोस को समझाइए, या क्वेश्चन है मेंडल की आनुवांशिकता नियम क्या है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंडल के नियम क्या, एक बार चेंज कर देता है, दो तीन क्वेश्चन देखने आप देख लेना, मेंडल का आनुवांशिकता नियम से जो भी क्वेश्चन पूछ जाए वो यही है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना तो सभी क्वेश्चन आपके आसान से हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हो, मानव में लिंग द्रव्यमान की प्रक्रिया को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो। नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकर प्रयोग को एफ टू पीडी तक केवल रेखा चित्र द्वारा समझाइए, आपको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। बायो सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं हमारे, यानी पूरी साइंस खत्म हो चुकी है। अभी हम इनके जो हमारे पास कौन से शॉर्ट क्वेश्चन रह गए उन्हें एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।